नमस्कार, मैं हूं चांदनी सिंह और आप देख रहे हैं डेली 99। चीन की नीति में बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार गुलाम कश्मीर को चीन ने भारत का हिस्सा बताया, जबकि इससे पहले चीन कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता रहा है। आपको बता दें कि चीन के सरकारी चैनल CGTN ने शुक्रवार को पाकिस्तान के उच्च सुरक्षा वाले शहर कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हुए आत्मघाती हमले की खबर दिखाते हुए कश्मीर को भारतीय नक्शे में दर्शाया। जी हां, नक्शे में पूरे जम्मू कश्मीर को भारतीय प्रदेश के रूप में दिखाया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि चैनल ने यह कदम किस विशेष नीति के तहत उठाया या गलती से। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन का सरकारी चैनल इस तरह की गलती नहीं कर सकता। चैनल पर सरकार के निर्देश के बिना इस तरह से कुछ दिखाया जाना संभव नहीं है। कैबिनेट सचिवालय के पूर्व अधिकारी तिलक देवाशेर समेत कुछ अन्य पूर्व राजनीतिज्ञों का कहना है कि चीन का सरकारी चैनल गलती से ऐसा नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर अपने अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित चीन ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था से चीन हताश है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 99।